दिल गुम है किसी के प्यार में, मैं अब आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अब शो का क्लाइमैक्स जो चल रहा है, और ऐसे में यहाँ पे मेकर्स क्लाइमैक्स को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनाना चाहते हैं। तभी तो आपको बता दें कि अब सत्य उठाने वाला है बहुत बड़ा कदम, इतना बड़ा कदम कि अब तबाही मच जाएगी सई और विराट की जिंदगी में। वेल, ये तो आप सभी को पता है कि अब सत्य करने वाला है सई के सामने अपनी मोहब्बत, अपने प्यार का इजहार। ऐसे में सत्य के इस ऑफर को, इस प्यार को ठुकराने वाली है सई। वेल, क्या कुछ होने वाला है, चलिए हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में मैं जहां एक ओर आप ये देखेंगे कि सत्या अपने प्यार का इजहार सई के सामने कर देगा, विराट भी वहां पर होगा, और ऐसे में सई रिजेक्ट कर देगी सत्या के इस ऑफर को और कह देगी कि सिर्फ और सिर्फ जिससे प्यार करती हूं वो तो विराट है, पर मैं उसके पास वापस जाना चाहती हूं, और मैं तो तुमसे खुद ये कहना चाहती थी कि हमें इस रिश्ते को, इस समझौते के रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। वेल, ये सुनकर सत्या का जो दिल है वो टूट जाएगा और सत्या यहाँ पर बहुत बड़ा कदम उठाएगा। सत्या अपने हाथ की नस को काटने की कोशिश करेगा। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सत्या अपनी जान देने की कोशिश करने वाला है सई के सामने। ये बोलेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हें किसी और का होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वेल, सई सत्या को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन इतने में सत्या अपना हाथ काट चुका होगा, काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगेगा और सई घबरा जाएगी, जिसके बाद सई सत्या को रूम में लेके जाएगी जिससे उसकी पट्टी बांध सके और ब्लड को रोक सके। लेकिन सत्या के इस कदम से सई के दिल में खौफ आ जाएगा। देखना होगा कि सई और विराट कैसे एक होंगे सत्या की इस हरकत के बाद। विराट भी यही देख रहा होगा, विराट को भी कहीं ना कहीं लग जाएगा कि सत्या शायद पागल ही हो चुका है सई की वजह से। वेल दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए अब सई और विराट को, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।